जय गुरु जी। गुरु जी को शत शत प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को नमन। गुरु जी की आज्ञा से मैं अपने एक्सपीरियंस और गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मेरी लाइफ का एवरी सेकंड एक गुरु जी का सत्संग है और उनकी मेहर है। कुर्बान जाऊं उस वेला सुहावी जब तुमरे द्वारे आई। मैं बचपन से ही शिव भगत थी, बिना जोर जलाए कभी खाना नहीं खाती थी। ये नियम था मेरा, शादी के बाद भी ये नियम बना रहा। मेरे घर के पास ही शिव मंदिर था, मेरा नियम था कि मैं ऑफिस से सीधा मंदिर जाती, मत्था टेकती, फिर घर जाती। तो हमेशा लोगों से सुनती थी कि कोई ना कोई गुरु जरूर धारण करना चाहिए क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं होती। लेकिन मैं कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाई कि मैं गुरु बना पाऊं। लेकिन मैं जब भी जोर चलाती थी तो हमेशा एक अरदास करती थी कि शिव बाबा के भगत थी तो उन्हीं के आगे अरदास करती थी कि जब भी आओ आप मेरे गुरु रूप में आप ही आना। और मेरी ये अरदास उन्होंने कबूल की। हम मालवीय नगर में रहते थे और हमारा एक घर गुड़गांव में साउथ सिटी में तैयार हो रहा था। लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम गुड़गांव में शिफ्ट करते क्योंकि मेरे बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे आप सबने सुना होगा कि जब भी आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं, और ये मेरे केस में हुआ। हमें तो हमारा आज नजर आता है लेकिन गुरुजी तो जान ही जान है, उनको सब पता है कि आने वाले समय में हमारे ऊपर क्या कष्ट आने वाला है। इसलिए वो पहले हमारे रास्ते आसान करते हैं। हमारा हाथ तो वो पहले से थाम लेते हैं, हमारे रास्ते आसान कर देते हैं वो। उन्होंने पहले हमें गुड़गांव शिफ्ट कराया जो कि हमारा बिल्कुल प्लान ही नहीं था। और उसके बाद हमें गुरुजी के बारे में भी हम कुछ नहीं जानते थे तब तक, लेकिन हमें गुरुजी जानते थे। तो हमने जब गुड़गांव में शिफ्ट किया, मार्च में शिफ्ट किया, अप्रैल में एक दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई। उनका गला खराब हुआ और वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनको एंटीबायोटिक्स दी और साथ में उनकी एंडोस्कोपी भी कर दी और पीस निकाल के बायोप्सी के लिए भी भेज दिया बिना हमसे पूछे। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी का गला खराब हो सिंपली और डॉक्टर उनको मेडिसिन देते हैं ऐसे। एंडोस्कोपी तो एकदम से कोई नहीं कर देता, लेकिन ऐसे हुआ। और जब एंडोस्कोपी की रिपोर्ट आई तो उसमें मैलिग्नेंट करके एक वर्ड था, तो वो मैंने पढ़ा तो मैंने बोला कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। और हम नेक्स्ट डे हम मेदांता चले गए और मेदांता में हमने डॉक्टर को एंडोस्कोपी की रिपोर्ट दिखाई तो बोले कि बायोप्सी की रिपोर्ट आने दो, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। रात को बायोप्सी की रिपोर्ट आई, ईमेल के थ्रू हमने मंगाई तो उसमें कैंसर पॉजिटिव आया। और नेक्स्ट डे डॉक्टर को जब हमने दिखाया तो डॉक्टर बोला कि ये तो कैंसर तो है लेकिन वो कितना बॉडी में फैला हुआ है वो हम इनका पेट स्कैन करने के बाद ही हम बता सकते हैं। तो नेक्स्ट डे पेट स्कैन हुआ तो पेट स्कैन की रिपोर्ट में ये आया कि उनका जो कैंसर है वो फूड पाइप से लेके पेट तक पूरा फैला हुआ है। और उसमें डॉक्टर ने बोला कि ये इनका ट्रीटमेंट तो बहुत ही मुश्किल है और बहुत समय लगेगा, इसमें कम से कम एक साल लग जाएगा क्योंकि हम पहले कीमो देंगे इनको। कीमो से जो इनका ट्यूमर है वो श्रिंक करेंगे और कीमो भी ऐसे देंगे कि 24 आवर्स लगातार कीमो चलेगी 1 वीक, फिर उसके बाद 1 वीक हम रिकवरी पीरियड देंगे, फिर आफ्टर 1 वीक हम फिर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर भी इनके जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो 20-30% है। लेकिन ये समय ऐसे होता है संगत जी की इंसान तो हार ही जाता है, तो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद जब इनकी कीमो चलती थी वहां हॉस्पिटल में, तो कीमो में क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि कीमो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हमारे जो बॉडी के कैंसर के सेल्स हैं वो तो खत्म करती करती है, साथ में जो हमारे बॉडी के हेल्दी सेल्स होते हैं वो भी खत्म कर देती है। तो जब तक इनकी कीमो 1 वीक बाद खत्म होती थी तो घर में जब आते थे तो बिल्कुल एकदम से कुछ भी नहीं होता था बॉडी में, इतनी वीकनेस, इतना वो इवन लिक्विड डाइट भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। तो जब
कीमो चल रही थी, तो गुरु जी ऐसे ही अपने मैसेंजर भेजते हैं, दूत भेजते हैं अपनी संगत को बुलाने के लिए। तो हमें भी किसी संगत ने मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे गुरु जी का आश्रम है, गुरु जी का मंदिर है, वहां आप जाओ। और हमारे लिए उस टाइम ये मैसेज था, संगत सब संगत कई बार ये सुन के सत्संग सुन के वही फॉलो करती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे लिए उस टाइम ये मैसेज था कि हमें 5 दिन लगातार बड़े मंदिर जाओ और वहां पे इनको गुरु जी का मत्था टिकवाओ और लंगर प्रसाद कराओ, ठीक हो जाएंगे। हमें मेरे को बाबाओं पे गुरुओं पे कोई विश्वास नहीं था, लेकिन संगत जी समझ सकते हैं आप कि वो समय ऐसा होता है कि इंसान सोचता है कि कोई ऐसा दर मिल जाए जहां उसको उसके दुख कष्ट का निवारण हो सके। तो हम जब रिकवरी पीरियड के दौरान हम बड़े मंदिर गए 5 दिन के लिए लगातार, फर्स्ट टाइम जब मैं बड़े मंदिर गई तो गुरु जी का ब्लैक चोले वाला स्वरूप वहां पे लगा हुआ था, जहां आज गुरु जी का झूला लगा हुआ है, न्यू झूला, वहां पे संगत बैठती थी उस टाइम। तो वहां पर गुरु जी के स्वरूप को देख के फर्स्ट थॉट जो मेरे माइंड में आई कि ये भी और गुरुओं की तरह लग रहे हैं, जैसे खाते पीते गुरु, ये क्या यहाँ पे होगा, कुछ भी नहीं होगा। बट ये है कि बिना किसी आस्था के मैं गुरु जी के सामने एडमिट करूंगी, गुरु जी सामने बैठे हैं, मैं बिना किसी विश्वास के वहां गई। लेकिन लंगर प्रसाद, आप संगत जी मानिए कि जो मेरे हस्बैंड घर में लिक्विड डाइट भी नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे थे, वो वहां पे समोसा प्रसाद भी खा रहे हैं, वो लड्डू प्रसाद भी खा रहे हैं, जबकि वहां उस टाइम बहुत प्रसाद मिलता था, और चपाती प्रसाद सब्जी सारा पूरा लंगर बहुत इजीली वो खा रहे हैं और डाइजेस्ट भी हो। उसके बाद गुरु जी हम इनका फिर स्टार्ट हो गया, कीमो फिर दोबारा से स्टार्ट होने लगी। तब तक मेरे पास गुरु जी का कोई लॉकेट कोई स्वरूप नहीं था और ना मुझे मिला मंदिर से। और जब मैं दूसरे तीसरे दिन जब मैं बड़े मंदिर गई तो मुझे पार्किंग एरिया में किसी आंटी ने पीछे से आवाज लगाकर इतनी मोटी शिव पुराण दी कि आंटी ये आपके लिए। तब भी समझ में नहीं आया कि सबको लॉकेट मिलता है, स्वरूप मिलता है, मुझे शिव पुराण क्यों मिली। उसके बाद वापिस आ गए तो जिस दिन सर्जरी होनी थी तो उस दिन डॉक्टर्स ने ये बोला कि जो सर्जन थे कि इनकी सर्जरी हम कर रहे हैं, ट्यूमर तो थोड़ा सा श्रिंक हो गया है, लेकिन ये जो सर्जरी है ये 10-12 घंटे चलेगी और हम इनका फूड पाइप से लेयर काटेंगे और वो कहीं से भी ब्रेक हो सकती है आफ्टर सर्जरी भी, तो इनको 15-20 दिन आईसीयू में रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर इनको उसके बाद भी इनका खतरा है। तो लेकिन सर्जरी स्टार्ट हुई और कहीं से एक संगत आती है और वो मेरे हाथ में गुरु जी का लॉकेट देती है और वो बोलती है कि ये लॉकेट अपने हाथ में रखो और ये गुरु जी का मंत्र जाप है, आप ये थ्रू आउट सर्जरी करते रहो। गुरु जी का मंत्र जाप और गुरु जी का लॉकेट हाथ में रखा और मैं थ्रू आउट सर्जरी वो मंत्र जाप करती रही। जैसे ही सर्जरी खत्म हुई डॉक्टर के चैम्बर में गए तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल एंड जैसा हमने सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत ही आसान काम हो गया। हमने उनका फूड पाइप निकाला, हमने उनका पेट ही निकाल दिया जिसमें ट्यूमर था। तो हमने बोला कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, पेट ही निकाल दिया, क्योंकि हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है इन चीजों की। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर हमें फूड पाइप काटना पड़ता तो उसमें कहीं से भी वो लीक होने का रिस्क था, तो इसलिए हमने इनका पेट निकाल दिया। पेट जो है वो जब पेशेंट फूड इनटेक करता है तो 6 महीने में अपनी जगह ले लेता है, तो इसलिए बहुत आसान काम हो गया। और कोई आपके हस्बैंड को 15-20 दिन ऑपरेशन आईसीयू में रहने की जरूरत नहीं है, उनको हमने रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया है, होश भी आ गया उनको, आप जाके उनको मिल लो, जय गुरु जी। उसके बाद जब हम नेक्स्ट डे सुबह फॉलो अप के लिए जब सर्जन आए हस्बैंड को देखने के लिए, तो मैंने गुरु जी का जो लॉकेट मुझे मिला था मैंने सिरहाने रखा हुआ था, तो हमने थैंक यू बोला डॉक्टर को कि आपने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ दी। तो डॉक्टर बोले कि मैंने नहीं दी, इन्होंने दी है, गुरु जी की तरफ इशारा करके बोले। तो हमने बोला आप गुरु जी को जानते हैं, गुरु जी को मानते हैं? वो बोले ये तो मेरे फ्रेंड थे, वो हैं डॉक्टर आदर्श चौधरी मेदांता हॉस्पिटल के सर्जन, वो तो मेरे फ्रेंड थे, हम तो खूब रात को गप्पे मारते थे, मैं तो खूब जाता था गुरुजी के पास जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो संगत जी आप देखिए गुरुजी ने कैसे हमें संभाला,
कैसे उनकी प्लानिंग थी और कुछ ऐसा कारण उन्होंने बना दिया था हमें गुड़गांव शिफ्ट करने से पहले कि हम मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मेरे को हम लोगों को चाइल्ड केयर लीव मिलती है और विद फुल सैलरी। और मेरी बेटी के एग्जाम थे और मैंने बेटी के एग्जाम के लिए 1 मंथ की चाइल्ड केयर लीव अप्लाई करनी थी, बट गुरुजी ने थॉट डाली, 1 साल की छुट्टी मैंने अप्लाई कर दी थी और मेरी वो सेंक्शन भी हो गई थी। हालांकि मैं पैरामिलिट्री फोर्स में हूँ, CSF में हूँ, बट और मेरी वहां पे छुट्टी सेंक्शन होना इतना मुश्किल है, बट मेरी छुट्टी बहुत आसानी से 1 साल की विद माय फुल पेमेंट सेंक्शन हो गई। आप देखिए समझ में आता है, आज जब हम बैठते हैं वो जब बैठ के सोचते हैं कि गुरुजी ने कैसे हमें, मेरे को पहले छुट्टी सेंक्शन कराई, उनको पता था मुझे छुट्टी चाहिए होगी मेरे हस्बैंड के साथ रहने के लिए हॉस्पिटल में। मेरी 2 डॉटर्स हैं, उनको पता था दिल्ली मालवे नगर से, क्योंकि कीमो के दौरान क्या होता था, जब कीमो करा के मैं इनको डिस्चार्ज करा के घर लाती थी तो डॉक्टर बोलते थे कि ना तो फीवर होना चाहिए पेशेंट को, ना लूज मोशन, ना वॉमिटिंग, अगर होती है इमिडिएटली आपको रात को चाहे 2 बजे हो 3 बजे हो आपको हॉस्पिटल में लेके आना है। और हर टाइम ऐसे होता था कि मैं जब भी इनको रिलीव करा के आती थी इनको रात को तबीयत बिगड़ जाती थी और मुझे भागना पड़ता था रात को 2-3 बजे इमरजेंसी में। और गुरुजी ने मेरा रास्ता आसान किया, मुझे गुड़गांव शिफ्ट कराया, साउथ सिटी 1 से मेदांता हॉस्पिटल हार्डली 10 मिनट्स का रास्ता है। मेरी छुट्टियां गुरुजी ने पहले सेंक्शन करा दी, उसके बाद गुरुजी ने अपने पास बुलाया, लंगर खिलाया, अपने दर्शन कराए, गुरुजी ने मेदांता में ट्रीटमेंट कराया और उन डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया जो गुरुजी के भगत हैं। तो इसमें ये समझ में आती है गुरुजी की, बैठ के सोचो तो एक एक ग्रेस समझ में आती है गुरुजी की कि वो कैसे, अगर आप उनको नहीं भी जानते हो लेकिन आप अगर उनके भगत हो कितने सालों से कितने जन्मों से, तो आपको थाम लेते हैं कष्ट। जब उनको पता चल जाता है मेरी संगत पे कष्ट आने वाला है तो वो माँ की तरह गोद में छुपा लेते हैं, ऐसे प्यारे हैं हमारे गुरुजी। और आज समझ में आता है जो मैं हर वक्त अरदास करती थी कि गुरुजी मुझ गुरु रूप में आप ही आ जाओ, आज समझ में आता है कि मुझे सबसे पहले उन्होंने शिव चालीसा क्यों दी, क्योंकि उन्होंने मुझे उसी दिन बता दिया था कि मैं तेरा शिव ही हूं जो तेरे गुरु रूप में आया हूं तेरे पास। ये है हमारे प्यारे गुरुजी। उसके बाद से लेके मेरे हस्बैंड आज 9-10 साल हो गए बिल्कुल ठीक हैं गुरुजी की कृपा से, कहीं कैंसर का कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल हेल्दी हैं। गुरुजी के मंदिर जाते हैं, लंगर खाते हैं, सेवा करते हैं और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। यहाँ से हमारी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मेरी डॉटर्स जो है, मेरी कैंसर जब हो जाता है किसी को एक बार परिवार में, फिर लोग ये सोचते हैं। अच्छा संदर जी, मैं एक चीज और बताऊंगी कि गुरुजी आपको लाइफ देते हैं, ये खुद मैंने देखा है। गुरुजी जन्म पत्रियों को फेल कर देते हैं, ये खुद मैंने देखा है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे तो मैंने कोई ज्योतिषी कोई पंडित नहीं छोड़ा था। मैं कम से कम 10 ज्योतिषियों के पास गई थी अलग अलग जन्म पत्री दिखाने के लिए कि मेरे हस्बैंड की जन्म पत्री देखो कोई उपाय बताओ। किसी एक भी ज्योतिषी ने मुझे ये नहीं बोला कि सबने यही बोला अक्टूबर के बाद इनकी लाइफ नहीं है, अक्टूबर तक की इनकी लाइफ है, लेकिन गुरुजी ने इनको लाइफ दी, न्यू लाइफ दी। उसके बाद मुझे किसी पंडित ने, किसी ज्योतिषी ने बोला रूबी पहनो, पन्ना पहनो, किसी ने बोला मूंगा पहनो, मैंने सब पहने, लेकिन गुरुजी ने एक दिन अपने ही दरबार में मेरे हाथों से सब वो पत्थर, सब मूंगा रूबी सब उतरवा दिया गुरुजी ने। क्योंकि कभी कभी ये जो हम पहनते हैं, ये गुरुजी कहते थे ये आपके ऊपर कभी कभी पुट्ठा असर भी कर देते हैं, तो ये सब हमें नहीं पहनना चाहिए, हमें हमेशा ही गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। उसके बाद संगत जी लोग कहने लगे, परिवार वाले कहने लगे कि एक बेटी की तो शादी कर दे। उस टाइम मेरी डॉटर ने बीटेक किया था, जॉब कर रही थी, तो लेकिन उसको अभी इतना गुरुजी के ऊपर विश्वास नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने शुक्राना सत्संग करने के लिए अपने घर में सत्संग गुरुजी को बुलाने का सोचा, तो उससे पहले गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, ड्रीम में दर्शन दिए, गुरुजी के साक्षात दर्शन होते हैं कि मैं और मेरी बड़ी वाली बेटी गुरुजी के चरण दबा रहे हैं
और वो धीरे धीरे दबा रही है, और गुरु जी उसको बोल रहे हैं चंगी तरह दबा, और वो नाराज होके उठ के अंदर चली गई। तो मैंने गुरु जी की तरफ देखा तो गुरु जी मुझे बोले कोई गल नहीं, हाले इन मेरे उत्ते विश्वास नहीं है, हुल्ले हुल्ले आ जाएगा, ये मेरा ड्रीम था। और उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तेरे घर आवांगा ते ओम बना के जावांगा। संगत जी, गुरु जी के ड्रीम ड्रीम नहीं होते, वो साक्षात दर्शन देते हैं और उनकी कही बातें सत्य वचन। जब मैंने अपने घर में गुरु जी को बुलाया फर्स्ट टाइम, तो जब मैंने चाय प्रसाद के ग्लास को जिस प्लेट से ढका था उसमें ओम बन गया, पूरा छप गया, जैसे हम नाम गुदवाते हैं बर्तनों के ऊपर, ऐसे पूरा प्रिंट हो गया उसके ऊपर ओम। वो ओम आज भी है, वो प्लेट आज भी है मेरे पास। और उसके बाद जो जोत वाली प्लेट थी उसपे इतना बड़ा टू बन गया, दो बन गया उसके ऊपर इतना बड़ा। और उस टाइम हमें समझ में नहीं आया कि ये दो क्यों बना है, लेकिन फिर हमने सोचा गुरु जी की लीला है, अपने आप बताएंगे, समय आएगा। और जब आरती हो गई तो मेरा भतीजा उस टाइम 3-4 साल का था, आरती खत्म होने के बाद वो अपनी मम्मा को बोला, मम्मा ये जो फोटो में है ना, ये अभी चेयर पे बैठे हुए थे। और फिर हम सबने उसको घेर लिया कि बताओ क्या पहना हुआ था, कैसे, बोले वो जो कपड़े इन्होंने फोटो में पहने हैं यही पहन के बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे और सबको देख रहे थे। जय गुरु जी, गुरु जी बच्चों को दर्शन देते हैं, गुरु जी नादान लोगों को हम अपने दर्शन देते हैं। गुरु जी ने उस दिन दर्शन दिए, साक्षात आए, उन्होंने अपने ड्रीम को बिल्कुल सच कर दिखाया। और संगत जी उस दिन हमारे घर में इतनी फ्रेग्रेंस थी, इतनी फ्रेग्रेंस थी कि उसके बाद इतने गुरु जी के सत्संग हुए घर में, कभी उतनी फ्रेग्रेंस आज तक महसूस नहीं हुई जितनी उस दिन फ्रेग्रेंस आई गुरु जी की, पूरा घर महक रहा था। उसके बाद मेरी डॉटर बड़े वाले को इतना विश्वास नहीं था, लेकिन एक दिन जब हम बड़े मंदिर गए उसके बाद, तो गुरु जी के साथ लगन लग चुकी थी तब तक। मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ बड़े मंदिर गई और उस दिन जब दरबार में बैठी थी तो एकदम गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन लगा और पूरा ध्यान में खो गई, और आंखों से आंसू बहे जा रहे और रोए जा रही और एक ही अरदास कर रही थी, गुरु जी आज से ये मेरी बेटियां नहीं है, आज से ये आपकी बेटियां हैं, मैं आपको सौंप रही हूँ इनको। ये कह के मत्था टेक के मैं घर की तरफ आ गई। संगत जी उस दिन मेरे घर तक गुरु जी की फ्रेग्रेंस आई। मैं अपनी डॉटर से पूछ रही थी बार बार, तुमने कोई परफ्यूम तो नहीं लगाया, तुमने कोई डीओ तो नहीं लगाया, वो बोले नहीं हमने कुछ नहीं लगाया। और वो गुरु जी की खुशबू थी जो उस दिन घर तक आई मुझे छोड़ने के लिए और मेरे बच्चियों को छोड़ने के लिए, कि मैंने तेरी बात सुनी है और मैं घर तक तुम्हें छोड़ना आया हूँ और तुम मेरे हो। और गुरु जी सबूत भी देते, आंसर भी देते हैं। गुरु जी हम जो उनसे क्वेश्चन करते हैं जी, या जो भी अरदास करते हैं, वो हमें आंसर भी देते हैं। गुरु जी ने मुझे ये आंसर भी दिया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है मुझे, क्योंकि इमिडिएटली बाद मैंने एक सत्संग पढ़ा, उसमें ये था कि एक संगत ने गुरु जी को बोला गुरु जी मेरी बेटी की शादी है, तो गुरु जी ने बोला ते फिर मैनू की, फिर उसने दोबारा बोला गुरु जी मेरी बेटी की शादी है, तो गुरु जी ने बोला ते फिर मैनू की। वो संगत सोच में पड़ गई कि ये बार बार गुरु जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं मैनू की। फिर उसने सोच के बोला गुरु जी आपकी बेटी की शादी है, तो गुरु जी ने बोला फिर तैनू की। तो ये गुरु जी के जवाब देने के बहुत ही सुंदर तरीके हैं, जो सुंदर तरीके से हमें हर बात का जवाब देते हैं। उसके बाद जब डॉक्टर नेक्स्ट डे लेटी तो जब उठी तो बोली कि मम्मा मैंने रात को ड्रीम देखा कि मैं बेड पे सो रही हूँ और पीछे से एक हाथ आता है और मेरे सिर पे ऐसे रख देते हैं। उस दिन से उसकी लाइफ ही बदल गई, उसको गुरुजी पे इतना विश्वास आ गया, बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी वो गुरुजी को, और आज दोनों बच्चियां बहुत ही प्यार करती हैं गुरुजी को। उसके बाद संगत जी मैं आपको सुनाती हूँ कि उसके साथ गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग्स दी मेरी बड़ी डॉटर को। गुरुजी जैसे उन्होंने हमें, हमारे ऊपर कष्ट आने वाला था तो उन्होंने हमें बुलाया, अपनी शरण में बुलाया। ऐसे ही गुरुजी ने
जब उसके ऊपर कष्ट आने वाला था तो गुरु जी ने घर में सत्संग रखवाया। संगत जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे, जो मेरा गुरु जी के साथ एक्सपीरियंस है, जो मैंने उनके साथ जो जर्नी है मेरी उनके साथ, जो मैंने फील किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि हम गुरु जी के साथ हर चीज अगर कोई हमें एक्सप्लेन करता है, कोई चीज बताता है, तो हम इतना नहीं उसको फॉलो कर पाते। लेकिन जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं एक चीज का, तो हमें गुरु जी की एक एक बात समझ में आती है, छोटी से छोटी चीज समझ में आती है, उनकी ब्लेसिंग समझ में आती है। गुरु जी सत्संग सुनाते थे, संगत को खड़ा करके रैंडमली सुनवाते थे, क्योंकि उनको पता था कौन सी संगत की ब्लेसिंग्स के लिए उन्होंने किस संगत को खड़ा करना है। ऐसे ही मुझे गुरुजी, और हम कई बार ऐसे होता है कि एक ही सत्संग हमें कई बार 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 सुनने को मिलता है, एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बार, और कई बार हम उठ के चले जाते हैं सत्संग में से, या हम नहीं सुनते हैं कि ये सत्संग तो हमने बहुत बार सुना हुआ है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि बार बार वो सत्संग सुनाने के पीछे गुरुजी की क्या ब्लेसिंग्स है जो हमें उन्होंने देनी है। जो ब्लेसिंग हमें आज नहीं पता चलेगी, महीनों बाद, सालों बाद, लेकिन वो ब्लेसिंग्स हमारे लिए होती है, और वो एक ना एक दिन गुरुजी हमें बताते हैं। मेरे को बार बार गुरुजी एक सत्संग सुनाते थे, मैं लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ती थी तो वही सत्संग सामने आया। मैंने गुरुजी का साइट पे वो सत्संग जब मैं पढ़ने बैठी तो सबसे पहले वही सत्संग मेरी आंखों के सामने आया। उसके बाद इवन जब मैं डुगरी गई, हमसे जिन अंकल ने लिफ्ट ली, वो मुझे वही सत्संग सुना रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि मेरे भतीजे का सत्संग है। वो सत्संग मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको। वो सत्संग क्या था कि उनके बच्चे को डेंगू हो गया था, डेंगू हो गया था, और उसके प्लेटलेट हो गए थे 35,000, और 35,000 प्लेटलेट में उसके इंटरनल ऑर्गन सारे फेल हो गए थे, उसकी किडनी, लिवर, माइंड, ब्रेन हेमरेज हो गया था, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी, कोमा में चला गया था बच्चा, वेंटिलेटर पे चला गया था। वो गुरुजी को नहीं जानते थे तब तक, और डॉक्टर ने उनको बोल दिया था, उनके पेरेंट्स को, कि सुबह हम इसका वेंटिलेटर हटा देंगे और ये बच्चा चला जाएगा, आप रात भर इसके साथ रुक जाओ। उसके बाद उसी टाइम उनके बड़े बेटे का एक दोस्त आता है और वो आके उनको बोलता है कि ठीक है, डॉक्टर्स ने ऐसा बोला है, लेकिन फिर भी एक गुरुजी है, उनका मंदिर है, एक बार चल के वहां दर्शन कर लो, अरदास कर लो, आप एक बार मेरा कहना मान के चलो। उनकी मदर ने अपने बेटे को डांटा कि तेरा भाई इस हालत में है तो वहां क्यों जा रहा है, लेकिन वो जिद करके अपने फ्रेंड के साथ चला गया। वो वेडनेसडे का दिन था, वो वहां गया, मंदिर बंद होता है उस दिन, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पे मंदिर खोला गया। समाधि के बाहर वो बहुत फूट फूट के रोया और बहुत अरदास की गुरुजी को, तो एक आंटी ने उनको जल प्रसाद दिया और गुरुजी का प्रसाद दिया, बोले कि जाके बच्चे को के मुंह से लगा देना। और वो आए हॉस्पिटल में तो उन्होंने बच्चे की लिप्स पे वो जल प्रसाद लगाया, उसके अंदर वेंटिलेटर में था। संगत जी आप यकीन मानिए, वो बच्चा अगले दिन उसके ऑर्गन्स काम करना स्टार्ट हो गए धीरे धीरे, एक एक ऑर्गन करके, और अगले 4-5 दिन में वो बच्चा रिलीव होकर घर भी आ गया। आज वो बड़े मंदिर में सेवादार है। ये सत्संग आप पढ़ सकते हैं। ये सत्संग बार बार गुरुजी मुझे सुना रहे थे। मुझे नहीं पता था ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है, क्योंकि मेरे बच्चे सत्संग इतना नहीं पढ़ते। मैं बहुत सत्संग पढ़ती हूँ, बहुत सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी के एक्सपीरियंस बहुत सुनती हूँ संगत के। तो हुआ क्या कि एक बार मेरी छोटी डॉटर को ड्रीम आया। मेरी बड़ी डॉटर उस टाइम प्रेग्नेंट थी, 8 मंथ प्रेगनेंसी थी उसको, और छोटी डॉटर को ड्रीम आया कि हमारे घर 15 सितंबर को गुरुजी का सत्संग हो रहा है। 15 सितंबर को हमारा कोई प्लान नहीं था सत्संग करने का, बट गुरुजी ने दर्शन दिए और उन्होंने आज्ञा दी, तो वो तो हम टाल ही नहीं सकते। तो हमने घर में 20-25 लोगों का छोटा सा एक सत्संग रखा ड्रीम में उन्होंने, और गुरुजी ये दिखाते भी हैं उसके बाद कि ये ड्रीम नहीं था, ये मैं साक्षात आया था और मैं ही तुम्हें बोल के गया हूं। इसका सबूत भी वो देते हैं। वो दर्शन में उन्होंने बेटी को ये दिखाया कि 7:10 हो रहे हैं, सारे का सत्संग है और 7:10 हो रहे हैं, और वो घर से बाहर है, गाड़ी ड्राइव कर रही है, और मैं उसको फोन कर रही हूँ कि 7:10 है, ज्योत का टाइम हो गया, तो अभी तक घर क्यों नहीं आई। ये उसका ड्रीम था। संगत जी, हमने सत्संग रखा,
सब कुछ बिल्कुल तैयार था, 6:30 बजे तक सब कुछ तैयार था। अचानक से मैं देखती हूँ कि गुरु जी का तिलक नहीं है, और मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ, छोटी को, भाग के जा, तिलक लेके आ गुरु जी का। और वो तिलक लेने के लिए जाती है, और ये चीजें हमें याद ही नहीं थी उस टाइम, हमें नहीं आता कि ऐसे ऐसे। और 7:10 पे ही मैं उसको कॉल कर रही हूँ कि कहाँ है तू, जल्दी आ, जोत का टाइम हो गया। और जब वो आती है तिलक लेके, तो देखते हैं कि तिलक तो पहले से ही रखा था वहां पे। तो गुरुजी ने ये दिखाया हमें कि वो ड्रीम नहीं था, वो साक्षात मैं ही आया था ये सत्संग रखवाने के लिए। और वो हमें तब पता चला कि वो क्या ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी आए थे, वो हमें नेक्स्ट डे पता चला। उस दिन सत्संग हो गया, नेक्स्ट डे मेरी बड़ी डॉटर इवनिंग में फोन करके बोलती है कि मम्मा मैं हॉस्पिटल में हूँ, Cloud 9 हॉस्पिटल में हूँ, मेरे फीवर हो गया मेरे को। तो नेक्स्ट डे उसको जब टेस्ट कराए तो रिपोर्ट आई कि उसको डेंगू हो गया 8 month प्रेगनेंसी में, और उसके प्लेटलेट संगत जी 35,000 हो गए। डॉक्टर घबरा गई, जो उसकी गायनी डॉक्टर थी, कि 35,000 प्लेटलेट हो गए बच्चे के, तो लंग्स भी डेवलप नहीं होते इस टाइम, अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास तो ब्लड बैंक भी नहीं है। उन्होंने बोला इमिडिएटली इनको अभी 40s में शिफ्ट करो। जब तक उनका पेपर वर्क कंप्लीट हुआ, जब 1 घंटा लग गया, जब तक हमने उसको 40s में शिफ्ट किया इमरजेंसी में, संगत जी उसके प्लेटलेट 9,000 हो गए। आप सोच सकते हैं 9,000 प्लेटलेट में क्या हो सकता है पेशेंट के साथ। बट वो इतनी पॉजिटिव थी, उसको गुरुजी पे इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि मैं फिर भी एक बार घबरा गई, माँ हूँ, लेकिन वो बार बार यही मेरे को बोलती, मुझे बार बार इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी यही बोल रही थी मुझे बार बार, मम्मा मेरे साथ गुरुजी हैं, मेरे साथ गुरुजी हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद उसको वार्ड में शिफ्ट किया, उसको प्लेटलेट चढ़ने शुरू हो गए, उसके प्लेटलेट 7,000 हो गए अगले दिन। फिर हम जब प्लेटलेट चढ़ते 9,000 हो जाते, फिर दोबारा 7,000 हो जाते। बट वो ऐसे बैठी हुई थी जैसे बिल्कुल कुछ नहीं है उसको। थर्ड डे वो सोई और एकदम से उठ गई, मैं उसके सामने ही बैठी थी, उठ के बोलती है मम्मा गुरुजी आए थे। मैंने बोला क्या हुआ, बोली कि मैंने ये देखा टीम अभी कि मैं हॉस्पिटल की छत से नीचे गिरती जा रही हूँ, और गुरुजी आए और बोलती जा रही हूँ कि गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो, और गुरुजी आए, उन्होंने मुझे गोद में उठाया और यहाँ बेड पे लिटा दी। संगत जी उसके नेक्स्ट डे से उसके प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो गए, जो डॉक्टर्स ने कहा था 8 month में इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़ेगी, उसको वो 3-4 दिन में रिलीव हो गई, उसके प्लेटलेट्स नॉर्मल आ गए। और 9 month कंप्लीट होने के बाद उसने बेबी बॉय को, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, और वो बच्चा ऐसा है, गुरुजी के दिए हुए बच्चे ऐसे है, ब्लेस्ड बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं। ऐसा बच्चा है कि वो गाड़ी में बैठता है तो बोलता है शब्द चलाओ, घर में वो मंत्र जाप करता है गुरुजी का, कहीं सत्संग में जा ले जाओ उसको, घर में सत्संग हो तो बिल्कुल चुपचाप बैठ के शब्द सुनता है, इतना ब्लेस्ड बच्चा है वो गुरुजी का। तो ये है गुरुजी की मेहर, कैसे उन्होंने पहले सत्संग उससे रिलेटेड सुना के ब्लेस कर दिया था। तो गुरुजी की मेहर का कहीं जवाब नहीं है, कहीं गुरुजी हमें जितना प्यार करते हैं, अगर एक बार वो हमें थाम लेते हैं ना, तो फिर वो हमें, देखो कष्ट तो हमें भोगने हैं, लाइफ है हमारी, अप एंड डाउन आते हैं, दुख तकलीफें आती हैं, और हमारे कर्मास हैं वो हमें भोगने हैं, लेकिन गुरुजी हमें हमारा हाथ पकड़ के वो भी इतनी आसानी से कटवा देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। उसके बाद मैं अब आपको अपनी छोटी बेटी का सत्संग सुनाती हूँ। उसको गुरुजी के बहुत ड्रीम आते थे बहुत ड्रीम आते थे पहले, अभी तो बहुत कम आते हैं, पहले उसको बहुत ड्रीम आते थे। एक बार उसको गुरुजी का के दर्शन हुए, ड्रीम दर्शन हुए कि गुरुजी उसके मुंह के ऊपर, उसकी आंखों पे चुन्नी बांध रहे हैं, लपेटे जा रहे हैं, ये खोलती है उतार देती है गुरुजी लपेटते हैं, ये उतारती है गुरुजी लपेटते हैं। फिर गुरुजी ने इसको डांटा, हूं ना तो खोली, तू ठीक नहीं हो ना, चुप करके बैठ जा।
और फिर उसके बाद ये चुप करके बैठ गई। गुरुजी ने अच्छे से इसके आंखों पे, नाक पे, मुंह पे चुन्नी बांध दी। उसके बाद फिर बोले गुरुजी इसको, जा हूं मैं तेरी सांस की प्रॉब्लम ठीक कर देती, तेरी अखा का नक्शा बदल देता। अब ये समझिए, हमें नहीं समझ आज कि गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग्स दी है। वो आने वाले समय में गुरुजी बताएंगे कि उनकी ये बातों का, उनकी ब्लेसिंग्स का क्या मीनिंग है, वो हमें जरूर बताएंगे। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और गुरुजी समझाते भी हैं हमें प्यार से, डांट के। उनके समझाने के बहुत ही अद्भुत तरीके हैं और कभी वो कृष्ण की तरह नटखट भी बन जाते हैं, शरारते भी करते हैं। एक बार मेरी छोटी डॉटर की मंडे की सेवा होती है बड़े मंदिर में। तो बड़े मंदिर में जब वो गई तो जो अंकल थे उनके साथ, उन्होंने इसको लॉकेट दिया गुरुजी का कि इसको घर जाके पहन लेना। और उसको लॉकेट गुरुजी का पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहती थी पता नहीं लॉकेट पहनने से ही क्या गुरुजी से प्यार होता है, लॉकेट पहनने से ही क्या गुरुजी मिलते हैं, बिना लॉकेट के नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही प्यार करती हूँ गुरुजी को। ये उसके विचार थे। तो उसको बड़े मंदिर में अंकल ने बोला ये लॉकेट आप पहन लेना। तो उसने बोला ठीक है, हाँ बोल के आ गई। तो घर आके बोली मम्मा ऐसे ऐसे मुझे लॉकेट मिला है, तो मैंने बोला पहन लेना आप। बोली नहीं मैं धागे में नहीं पहनूंगी, मैंने रेड धागे में तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी। मैंने बोला ब्लैक में पहन लेना। नहीं, मैंने बोला अच्छा चांदी या गोल्ड की चेन में पहन लेना। बोली अच्छा चलो मैं सोचूंगी। संगत जी, गुरुजी कैसे समझाते हैं अपने बच्चों को, कैसे डांटते हैं। अगर उनको ये लग रहा होता है कि ये समय है मेरा लॉकेट गले में पहनने का, कोई पछताने वाला है, तो वो डांट के भी पहनाते हैं। संगत जी, उसके बाद नेक्स्ट मंडे जब हम मंदिर जा रहे थे, मंदिर पहुंचे तो उन अंकल ने उससे पूछा कि लॉकेट कहाँ है। तो बोले कि घर में है। बोले पहना क्यों नहीं। बोले कि पहनूंगी। उसी टाइम अंकल ने अपनी जेब से रेड धागे में डाला हुआ लॉकेट उसको दिया और बोले इसको अभी पहन। जो बार बार मना कर रही थी कि मुझे रेड धागे में लॉकेट नहीं पहनना, उसको रेड धागे में डाला हुआ लॉकेट, और उसने वो रेड धागे में डाला हुआ लॉकेट पहना और वो आज तक पहना हुआ है। कभी आज तक मैंने नहीं सुना कि बड़े मंदिर में किसी को रेड धागे में डाला हुआ लॉकेट मिला हो। ये है गुरु जी के तरीके, ये है गुरु जी का प्यार करने का अंदाज। और गुरु जी कैसे अपनी जिद्दी बच्चों को भी कैसे कंट्रोल में करते हैं। और संगत जी, गुरु जी हमें कभी नेगेटिव नहीं होने देते। अगर हम कभी लाइफ में नेगेटिव भी होते हैं तो उनकी मधुर मुस्कान, इतनी उनको देखते ही हमारी नेगेटिविटी चली जाती है लाइफ से। और वो समझाते भी हैं किसी ना किसी रूप में आके। एक बार मेरी डॉटर बहुत नेगेटिव हो रही थी, नेगेटिव थॉट्स आ रही थी उसको, कुछ कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रही थी, तो वो बहुत परेशान हो रही थी। तो बड़े मंदिर जा रही थी, टी पॉइंट से लेके बड़े मंदिर तक किसी अंकल ने उससे लिफ्ट ली, लिफ्ट ली, साथ में उनका ग्रैंड डॉटर भी थी। और टी पॉइंट से लेके बड़े मंदिर तक वो अंकल अपनी ग्रैंड डॉटर को एक ही बात समझाते हुए गए, जब मेरी डॉटर परेशान हो रही थी, एक ही बात समझाते हुए गए कि बेटा जब कोई आपको टॉफी देता है और आपको वो टॉफी नहीं पसंद, आपको वो टॉफी नहीं चाहिए होती है, नहीं अच्छी लगती, तो आप उनको बोल देते हो ना कि अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे ही जब आपको नेगेटिव थॉट्स आए, नेगेटिव विचार आए कुछ, तो आप अपने माइंड को ये समझाओ कि हमें नहीं चाहिए ये, आप अपने पास रखो। संगत जी, ये क्या है, ये गुरु जी की लीला है। वो किस रूप में आकर कैसे समझा जाते हैं अपने बच्चों को, कैसे उनको गाइड करके जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं हमारे सबसे बड़े गाइड वही हैं, हमारे माँ की तरह दुलार देते हैं, पिता की तरह प्रोटेक्शन देते हैं, और गाइड हैं हमारी लाइफ के, सब कुछ है हमारे। आज हमें एक एक चीज गुरु जी की, छोटी से छोटी जो बातें उन्होंने अपनी संगत को कभी कभी कही, उनका बहुत बहुत
डीप मीनिंग होता था जो हमें उस टाइम नहीं समझ में आता था, लेकिन आ जाता है। गुरु जी ने हमें जो डायरेक्ट कनेक्शन का ये जो हमें गुरु जी ने गिफ्ट दिया है, कितना बड़ा गिफ्ट है। इससे हम गुरु जी से बातें कर सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं, अरदास कर सकते हैं, और वो सुनते हैं और वो रिप्लाई भी करते हैं। वो हमेशा रिप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे किसी संगत के थ्रू हो या किसी मैसेज के थ्रू हो, उनका रिप्लाई जरूर आता है। अभी मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाती हूँ, बहुत प्यारा सत्संग है। मैं हमारी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया और गुरुजी ने वो समय भी बहुत आसानी से निकलवा दिया, लेकिन उसके बाद मेरे को थोड़े से साइड इफेक्ट हो गए, मेरे पेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो गुरुजी बड़े मंदिर भी बुला रहे हैं वीक में दो बार, वो गुरुजी का हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा सर, पूरा विश्वास है गुरुजी के ऊपर। तो मैं जब बड़े मंदिर गई लास्ट मंडे, जब प्रसाद स्टार्ट नहीं हुआ था बड़े मंदिर में, तो मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के जा रही हूँ लाइन में, और मैं सोचती हुई जा रही हूँ, अपने माइंड में सोचती हुई जा रही हूँ, गुरुजी दर्शन के लिए तो आपने बुलाना शुरू कर दिया, अब प्रसाद भी शुरू करा दो गुरुजी, काश आज आपका प्रसाद मिल जाता मेरे को, तो मैं जो ये मेरे को प्रॉब्लम चल रही है आजकल, ये भी मैं ठीक हो जाती। ऐसे मैं सोचती हुई जा रही हूँ, गुरुजी बहुत मन कर रहा है आपके प्रसाद का। और संगत जी, मैं जैसे ही पार्किंग एरिया से अपनी कार निकाल के बाहर जाती हूँ, मेरी कार पे नॉक करके एक अंकल मुझे समोसा प्रसाद देते हैं कि आंटी ये प्रसाद ले लो। ये है हमारे गुरु जी, ये है उनका प्यार, उनका दुलार जो हर पल दिखाते हैं वो, और हर पल ये सबूत देते हैं कि मैं तुम्हारी छोटी से छोटी बात भी सुनता हूँ, तुम्हारी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी करता हूँ। संगत जी, इतने सत्संग हैं कि ऐसे लगता है कि जीवन ही पूरा गुरुजी का सत्संग बन के रह गया। एक बार गुरुजी ने और दर्शन दिए हमें, हमने अपना बुटीक खोला था, तो हमारी बुटीक पे एक क्लाइंट आती है, वहां गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो एक क्लाइंट आई और उनके साथ छोटा बेबी भी था। तो एक दिन आई, वो कुछ खरीद के ले गई और अपने मम्मा के कान में वो बेबी कुछ बोल रहा था। और उसके बाद हमने पूछा, मैं नहीं थी उस दिन बुटीक में, मेरी डॉटर थी, तो मेरी डॉटर ने पूछा क्या बोल रहा है ये। तो उन्होंने बोला ये बोल कि ये जो फोटो है, ये फोटो में जो अंकल है ये अभी शॉप से निकल के बाहर जा रहे थे, यहाँ खड़े हुए थे इतनी देर तक काउंटर पे और अभी शॉप से निकल के बाहर गए हैं। तो ये उसने बोला, मेरी डॉटर तो एकदम, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए कि क्या बोल रहा है ये, कुछ बोल ही नहीं पाई वो। उसके बाद वो क्लाइंट चली गई। तो मेरी डॉटर ने घर आके मुझे ये बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ आज शॉप पे। तो मैंने बोला, अरे तूने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बुलाया, मुझे फोन पे बात करा देती, मैं भी बात करती। और देखिए संगत जी, नेक्स्ट डे वो क्लाइंट फिर आ गई और मैं ही थी शॉप पे। तो मैंने उनसे बोला कि कल आपके बेबी ने ऐसे ऐसे बोला, बोलती हाँ। मैंने बोला तो क्या वो मतलब ऐसा कुछ ज्यादा बात करने वाला या ऐसा है? बोले नहीं, ये बच्चा तो किसी से बात ही नहीं करता, ये तो बहुत चुप चुप रहने वाला बच्चा है, पता नहीं इसको दिखे हैं तभी तो इसने बोला है, ऐसे तो वो कभी कुछ नहीं बोलता। तो ये हैं गुरु जी के तरीके, कैसे वो ब्लेस करते हैं। और समझ जी, ये जब हुआ, गुरु जी जब आए थे उस दिन, मेरी बड़ी डॉटर भी बैठी हुई थी बुटीक में, और नेक्स्ट डे ही उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी। तो गुरुजी उसको ब्लेस करने के लिए आए थे। तो गुरुजी ने हमें बहुत प्यार दिया है संगत जी, इतना प्यार दिया है कि हम शब्दों में नहीं बयान कर सकती मैं कि उन्होंने हमें कितना कितना मोहब्बत, कितनी लगाव दिया हुआ है कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। एक बार मेरे को ड्रीम आता है, ड्रीम दर्शन हुए मुझे गुरुजी के। जब हम गुरुजी से नए नए कनेक्ट हुए थे तब बहुत ड्रीम आते थे गुरुजी के। आजकल शायद गुरुजी ने क्योंकि उनकी भी शक्ति लगती है, बहुत कम ड्रीम आते हैं। मुझे ड्रीम आया एक बार कि मैं एस्केलेटर पे खड़ी हूँ और वो एस्केलेटर चलता जा रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर जा रहा है, वो कहीं स्टॉप नहीं हो रहा,
और मैं एकदम घबरा गई और मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी मुझे बचा लो, ये कहाँ जा रहा है, मुझे बचा लो। इतने में ऊपर से दो हाथ आए और मुझे ऊपर खींच लिया। और उन दिनों मेरी तबीयत भी बहुत खराब चल रही थी, बहुत बुरा समय चल रहा था। तो गुरुजी ऐसे हमारे कष्ट काटते हैं और गुरुजी हमारी अरदास सुनते हैं, हमारी छोटी छोटी बात सुनते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं न्यू ईयर पे हमेशा गुरुजी को घर में बुलाती हूँ, हमेशा गुरुजी का सत्संग रखती हूँ जब से गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ। एक बार क्या हुआ, किसी कारण से मैं गुरुजी का सत्संग नहीं करा पाई, गुरुजी को घर नहीं बुला पाई। उस दिन जब मैं रात को जोत जला रही थी 31 दिसंबर को, तो जोत जलाकर मैंने भजन चला दिया एक, तू मेरा जीवन आसरा और मेरे शहनशाह मेरी अखियां दे तारे। और ये शब्द इतना प्यारा है, इतना मधुर है कि आंसू ही नहीं रुक रहे थे। डायरेक्ट कनेक्शन लगा गुरुजी के साथ और मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी मैं आपको न्यू ईयर पे इस बार बुला नहीं पाई और मेरा बहुत मन था मैं आपको बुलाऊं, लेकिन मैं नहीं बुला पा रही गुरुजी, तो आप मेरे घर में ऐसे ही चरण रख दो। ये मैं अरदास लगा रही थी। उसके बाद रात हुई, मैं सो गई। वैसे 3-4 बजे मैं ड्रीम देखती हूँ कि गुरुजी हमारे घर आए वाइट चोले में और आके डाइनिंग की चेयर पे बैठ गए। और मैं एकदम से खुश हो जाती हूँ मैं कि गुरुजी आ गए हमारे घर, गुरुजी आ गए। और मैं फटाफट अंदर गई और मैंने अंदर से रजाई उठाई और गुरुजी को पूरा ढक दिया कि गुरुजी को ठंड लग रही होगी। और मैं उनको ऊपर से लेके नीचे तक रजाई पहना रही हूँ। और फिर मैंने बोला, अरे उनके तो पैर भी ढक गए, अब मैं उनके चरण कैसे छूंगी। मैंने उनके पैरों से रजाई हटाई और उनके पैरों पे माथा रख दिया और पूरा दंडवत लेट गई, पूरा साक्षात पूरा मैं लेट के प्रणाम किया उनको। और प्रणाम जैसे ही किया मैं साइड में लुढ़क गई और मेरी आंखें बंद हो गई। और थोड़ी देर में मेरी आंख खुलती है तो मैं देखती हूँ मेरी डॉटर भी सोफे पे बेहोश है। और मैंने उसको उठाया, मैंने बोला गुरुजी कहाँ हैं, गुरुजी आए थे कहाँ हैं, गुरुजी चले गए थे तब तक। और मैंने क्या देखा, मेरी मुट्ठी बंद है और मेरी मुट्ठी में एक टॉफी मैंगो बाइट और कुछ गुरुजी की और ब्लेसिंग्स जो बहुत ही प्रेसियस है वो मेरे हाथ में थी। और संगत जी उसके बाद मेरी नींद खुल गई और 31 दिसंबर की रात इतना पसीना ऊपर से लेके नीचे तक पसीना। मैंने अपनी स्वेटर भी पहन के सो रही थी वो हटाई, क्विल्ट हटाई, पंखा चला दिया, इतना पसीना कि तभी गुरुजी ये कहते हैं ना कि मेरी जो ड्रीम मांगते हो ना तो मेरी भी बहुत शक्ति लगती है। और गुरुजी के ड्रीम को सहन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। गुरुजी लाइट है और उनको सहन करना परमात्मा है, उनके दर्शन सहन करना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। हम दर्शन मांगते हैं लेकिन आसान नहीं है उनके दर्शन लेना। तो गुने उस दिन भी दिखाया कि सत्संग कराने से नहीं, देख मैं वैसे ही आ गया हूँ तेरे घर में, तेरे मन के भाव देखता हूँ, तू चाहती थी मैं आऊं तो तेरे मन के भाव पूरे हो गए। तो गुरु जी ऐसे हमारी छोटी छोटी चीजें सुनते हैं और पूरी करते हैं। संगत जी सत्संग तो बहुत है, मेरी बड़ी वाली डॉटर है उसके इन लॉज गुरु जी को नहीं मानते, वो आनंदपुर को मानते हैं। तो जब उसने अपना घर शिफ्ट किया तो वो गुरुजी को बहुत मानती है, तो उसको ऐसे लगा कि मुझे गुरुजी को अपने घर बुलाना चाहिए पर नहीं बुला पाई। तो उसने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी मेरा बहुत मन था मेरे घर में आओ। संगत जी उसी दिन गुरुजी ने उसको ड्रीम में दिखाया कि वो पूरे ढोल के साथ, आंधी तूफान बारिश बादल गरज रहे हैं और ढोल के साथ गुरुजी उसके घर में आए हैं और ड्रीम में गुरुजी ने उसको दिखाया। तो गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, तू तो मुझे प्यार करती है ना, तूने अरदास लगाई ले मैं आ गया। तो ये चीजें कहाँ पॉसिबल है, ये सिर्फ हमारे गुरुजी के साथ ही ये सब चीजें पॉसिबल है। और मैं अपनी छोटी डॉटर का एक सत्संग सुनाती हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी, वो फैशन डिजाइनिंग की उसने ग्रेजुएशन, उसके बाद वो मेरा बहुत मन था कि वो मास्टर्स निफ्ट से करे और उसने निफ्ट की एंट्रेंस दी। और मैंने उसको बोला अगर तेरा दिल्ली में हो जाता है तो मैं तेरे को परमिट करूंगी निफ्ट, मैं बाहर नहीं भेजूंगी।
तो पता नहीं मेरे अंदर ऐसा कुछ है कि मैं बच्चों को नहीं बाहर भेजना चाह रही थी। और गुरु जी की लीला देखिए, वो सब जानते हैं, जान ही जान है अंदर। उन्होंने निफ्ट का उसका क्लियर हो गया, उसका एडमिशन हो गया निफ्ट में। और संगत जी देखिए, इसी में लॉकडाउन हो गया और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। एक सेमेस्टर उसका पूरा भी हो गया, उसका बाहर पटना में एडमिशन हुआ और मैं एग्री भी हो गई। और आप देखिए, उसका एक सेमेस्टर खत्म भी हो गया, दूसरा सेमेस्टर भी खत्म हो जाएगा अगले 3-4 महीने में। और गुरु जी ने बाहर भी नहीं भेजा उसका, और उसका निफ्ट से किस तरह से मास्टर्स कर रही है ये भी गुरु जी ने अरदास पूरी की। तो छोटी छोटी चीजें गुरु जी सुनते हैं हमारी। और अगर हम गुरु जी के हाथ में अपना हाथ दे देते हैं तो वो हमें हर स्टेप पे गाइड करते हैं। उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमारे जो बुरा समय आने वाला होता है या बुरा समय चल रहा होता है उसको अच्छे समय में बदल देती हैं। बस हमें गुरु जी के ऊपर अपना जो विश्वास है वो बहुत पक्का रखना चाहिए, कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ नेगेटिव भी चल रहा है लाइफ में, कोई कष्ट भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, तो अपने गुरु का नाम लो, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी ऑरा, उनके को अपने आसपास शील्ड की तरह बना लो और डायरेक्ट कनेक्शन करके उनके आगे अरदास करो कि गुरु जी हम आपके बच्चे हैं, हम आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। क्योंकि अगर गुरु जी हमें पकड़ लेंगे तो फिर तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। संगत जी और क्या सुनाऊं मैं, गुरु जी के बहुत सत्संग हैं, बहुत मेहर है। मैं अपनी मम्मी का एक सत्संग सुनाती हूँ। गुरु जी ने एक अंकल है, उनका सत्संग है ना, उनके पापा को गुरु जी ने जाने का समय बताया था और उस समय पर उनके पापा नहीं गए थे। तो गुरु जी ने ये बोला था उनको कि अभी तुम्हारे पापा के कुछ कर्म बाकी हैं तो वो मैंने यहाँ कटवाने हैं, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है कि ना मैं उनको यहाँ नरक भोगने दूंगा ना मैं उनको वहां नरक भोगने दूंगा। तो ये गुरु जी के ये वचन हमने साक्षात अपने घर में देखे अपनी मम्मी के साथ। अभी लास्ट ईयर मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनके हार्ट में के वॉल्व खराब थे। तो उनकी कंडीशन इतनी वर्स हो गई वहां पे कि एक रात उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर्स ने बोला कि आप सब लोगों को बुला लो, ये सुबह तक का समय है इनके पास, सुबह तक ये शायद चले जाएंगे। तो हम सब लोग वहां पे हॉस्पिटल पहुंच गए और हमने रात भर गुरु जी का मंत्र जप चलाए रखा, गुरु जी की का ग्रंथ हमने उनके सिराने रख दिया और पूरी रात गुरु जी का मंत्र जप चलता रहा। संगत जी, जो मेरी मम्मी की आंखें बंद थी, एक दिन सुबह से अगले दिन सुबह उन्होंने आंखें खोल दी। जो डॉक्टर्स ने बोला था कि ये सुबह चली जाएंगी, उन्होंने आंखें खोल दी और वो उठ के बैठ गई। और उसके बाद धीरे धीरे वो रिकवर होकर वो घर भी आ गई। और उसके बाद उन्होंने 2 महीने वो घर में ठीक रही। और संगत जी, एक दिन अचानक ही वो अचानक ही चली गई। तो ये समझ में आया उनका, इस तरह से जो वो इतना कष्ट भोग रही थी हॉस्पिटल में, इतना बुरा हाल था उनका, ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन पे थी वो और इतना तड़प रही थी, इतनी बुरी हालत थी। गुरु जी ने उनको इतना कष्ट में, इतनी बुरी हालत में अपने पास नहीं बुलाया। गुरु जी ने उनको 2 महीने दिए घर में, अपने परिवार के बीच में, अपने बच्चों के बीच में आराम से रहना, अच्छे से रहना। और घर से अपने शांति से गई वो, अपने जो उनके कर्म बचे हुए होंगे वो गुरु जी ने कटवा के फिर उनको अपने साथ भेजा। वीन गुरु जी की संगत, हमें गुरु जी की छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी ब्लेसिंग समझ में आती हैं। तो गुरु जी ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। मैं गुरु जी के आश्रम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ शेयर करने का चांस दिया, मौका दिया। और मैं संगत जी का, मैं कुणाल अंकल का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने, गौरव अंकल का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने गुरु जी के एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। और गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना कि उन्होंने अपना प्यार दिया, अपनी ग्रेस, प्रोटेक्शन, सब कुछ गुरु जी ने दिया।
और गुरु जी से हमेशा मैं यही अरदास करूंगी कि मैं हमेशा उनकी उनका गुणगान करती रहूं, उनकी उनके सत्संग शेयर करती रहूं, उनकी जो ग्रेस है हमारे ऊपर वो संगत तक पहुंचाती रहूं। और संगत जी, और मैं क्या सुनाऊं, कोई गलती हो गई हो संगत जी गुरु जी तो क्षमा करना, आपके बच्चे हैं, हमेशा हमारे सिर पे अपना हाथ रखना, पूरी संगत के सिर पे अपना हाथ रखना। और बहुत 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 शुक्राना आपका, हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करना। जय गुरु जी।